इस तरह के वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हैं जिसे कि आप अपने इंस्टाग्राम में डाल सके, तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में आना है। यहाँ पर आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने वीडियो के साइज के हिसाब से एस्पेक्ट रेशो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन आएगा, आपने जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो आ जाने के बाद आपको सबसे पहले आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है उसका स्टार्टिंग का पार्ट और एंडिंग का पार्ट, जो आपका काम का नहीं है, उसको पहले ट्रिम कर दीजिएगा। मैंने पहले से ट्रिम करके रखा हुआ है। सबसे पहले आपको वीडियो को सेलेक्ट करना है और उसका वॉल्यूम को कम कर देना है। उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिए। यहाँ पर आपको देखना है कि आपने किक कब मारा है। देखिए, ये अभी आपने किक मारा है। ये जो आपने पांव नीचे रखा हुआ है, यहीं पर आपको लेयर पर जाना है, फिर मीडिया पर जाना है, फिर मीडिया में से आपको मून का इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। मून सेलेक्ट होने के बाद आपको पहले इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, सेट करना है। इसके बाद आपको ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको एक बार थोड़ा जूम उम करके देख सकते हैं कि आप किस तरह से सेट करना चाहते हैं। मैं पहले सेट कर लेता हूँ। ये होने के बाद आपको इसको ओके करना है। उसके बाद वापस इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉपिंग पे जाना है, फिर इसको क्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्रॉप कर दीजिएगा। फिर आपको मास्क को अनेबल करना है और थोड़ा सा फेदर बढ़ा देना है ताकि वो दिखे ना, फिर ओके कीजिए। ये हो जाने के बाद आपको वापस से लेयर पर जाना है, वापस से मीडिया पर जाना है, और वहाँ से और एक इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला इमेज सेलेक्ट होने के बाद आप इसको थोड़ा टर्न कीजिए। उसके बाद आप इसको थोड़ा सेट कर दीजिए इसके हिसाब से। यहाँ पर आप चाहे तो क्रॉपिंग में जाइए, थोड़ा सा क्रॉप कर दीजिए। उसके बाद ओके कीजिए, फिर ये थोड़ा नीचे ला दीजिए सेलेक्ट करके। उसके बाद ब्लेंडिंग में जाएंगे, फिर यहाँ पर हम लोग स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले जो इमेज था उसमें मल्टीप्लाई सेलेक्ट किए थे, इसमें स्क्रीन सेलेक्ट करना है। पीछे ध्यान दीजिएगा, ओके कीजिए। और जो ये मून वाला इमेज है उसको भी वीडियो के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद आपको इसको वापस से प्ले करके देखना है। आपको देखना है कि आप किक मारे तो सब सेट हुआ कि नहीं। ठीक है, हो गया है। अभी क्या करना है, आपका जब आपने वापस से नीचे में किक किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको रुकना है। जिस जगह में आप पांव नीचे में मारे हैं वहाँ पर रुकना है। फिर यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है और बीच में आपको ट्रिम कर देना है। ठीक है, फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट लगाना है, आपको प्लस आइकन में जाना रहेगा। फिर यहाँ से आपको सेकेंड का इफेक्ट रहेगा, उसको लगा देना है। आपको ये चार नंबर वाले को सेलेक्ट करना है, और अगर आपके पास सेकेंड का इफेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो टाइम देख रहे हैं आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 0.5 कर देता हूँ ताकि वीडियो आराम से आए। ओके, अभी प्ले करके देखते हैं। देखिए, ठीक है, टाइम पर आया थोड़ा। अभी आपको ये वीडियो में प्ले जैसा आप करके देखे है, आप अपने हिसाब से बीच बीच में स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बीच में स्प्लिट कर दीजिए थोड़ा सा, फिर आगे जाइए, फिर यहाँ तक है, फिर वापस स्प्लिट कीजिए। ये स्प्लिट इसलिए कर रहा है ताकि इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, किसमें स्लो रखे तो वीडियो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इसके लिए। अभी आप आगे वाले में आइए, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा सा रख सकते हैं ऐसे पढ़ा के, ओके कीजिए। यहाँ पर स्लो रखिए, फिर यहाँ पर वापस से फास्ट रखेंगे, सेलेक्ट कीजिए, स्पीड में जाइए, वापस 1.5 रखिए, 2 मत रखिएगा, 2 से थोड़ा कम ही रखिएगा। ये सब हो जाने के बाद आप एक बार शुरू से प्ले करके देख लीजिए।
अभी आपका वीडियो करीब बन के रेडी हो चुका है। अभी सिर्फ आपको इसमें म्यूजिक डालना है, तो आप ऑडियो में जाइए और वहाँ से म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए, और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। म्यूजिक सेलेक्ट होने के बाद आप एक बार वापस से प्ले करके देख सकते हैं। एक मिनट में पहले इसका वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट ना पड़ जाए। सब कुछ ओके हो जाने के बाद आपको जो बाकी का पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ से सब डिलीट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। आप सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से ट्रिम टू राइट कर दीजिए, फिर वापस इसको सेलेक्ट कीजिए, ट्रिम कीजिए, ट्रिम टू राइट और प्ले हिट कर दीजिए। पूरा वीडियो रेडी हो जाने के बाद आपको यहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा है, आपको वहाँ पर क्लिक करना है और अपने वीडियो के क्वालिटी के हिसाब से आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।